गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम फिर लेकर आए हैं आपके लिए तीन ब्रेकआउट शेयर्स। तो सबसे पहली कंपनी सबसे सस्ती कंपनी होने वाली है, यानी कि टिकट प्राइस उसका काफी लो रहने वाला है। दोस्तों, अगर हम बात करते हैं आज की पहली कंपनी का नाम है सैमवर्धने मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड। वो स्टॉक का जो प्राइस है लगभग यहाँ पर ट्रेड करता था कभी 120-130 के बीच में, वहां से लेकर के यहाँ पर कॉन्टिन्यूसली गिरावट होती है और लो बनाता है लगभग 63 के आसपास और वहां से रनअप स्टार्ट करता है। लेकिन यहाँ पर 200 मूविंग एवरेज का रेजिस्टेंस लेता है, फिर नीचे आता है, फिर उसके बाद 200 मूविंग एवरेज को क्रॉस करता है और साथ ही में यहाँ पर 50 और 200 दोनों ही मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर भी हो जाता है, जो एक बुलिश सिग्नल है। और यहाँ पर जाकर के फिर थोड़ा सा अप जाने के बाद यहाँ पर डाउन आता है और फिर 200 का जो मूविंग एवरेज है उसकी सपोर्ट लेता है। अब यहाँ पर एक किस्म की कंफर्मेशन हो जाती है कि यहाँ पर स्टॉक अब नीचे जाने की जो संभावना है वो काफी कम रह जाती है, क्योंकि यहाँ पर वॉल्यूम्स भी आने स्टार्ट हो जाते हैं। अगर हम बात करते हैं इस स्टॉक में, हम दोस्तों इन्वेस्टर तो नहीं है, हाँ हो सकता है आने वाले दिनों में हम इसमें इन्वेस्टमेंट करें। तो अगर हम बात करते हैं कौन से ऐसे लेवल्स होने वाले हैं यहाँ पर हमें इसकी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या फिर बेहतर अपॉर्चुनिटी हो सकती है अगर ये स्टॉक उस लेवल के आसपास हमें मिलता है, तो पहला जो लेवल है वो है इन्हीं लेवल के आसपास, यानी कि 102 से लेकर के अगर नीचे की तरफ जाते हैं तो 94-95 रुपीज के आसपास ये वाला जो जोन है ना वो काफी अच्छा होने वाला है इसको एक्यूमुलेट करने के लिए, इसको फ्रेश बाय करने के लिए, इसको एवरेज करने के लिए। अगर हम बात करते हैं टारगेट की, तो यहाँ से सीधा सीधा 20% का जंप इस स्टॉक में देखने को मिल सकता है, लेकिन आपका अगर टाइम होराइजन मिनिमम 6 मंथ का है तो ही इस स्टॉक में इन्वेस्ट करें, अदरवाइज इस स्टॉक को अवॉइड करें। दोस्तों, 6 मंथ मिनिमम आपका टाइम होराइजन होना चाहिए, तब जाकर आपको 20% के आसपास का जो रिटर्न है वो मिल सकता है। दोस्तों, तो इसके बाद अगर हम बात करते हैं सेकंड स्टॉक की, तो उसका नाम है दीपक फर्टिलाइजर। काफी अच्छा ये भी स्टॉक है। चार्ट के अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं यहाँ पर स्टॉक का हाई बनता है लगभग 1060 के आसपास, वहां से कॉन्टिन्यूसली गिरावट होती है और फिर स्टॉक एक कंसोलिडेशन जोन में फंसता है। अब जाकर के यहाँ पर वॉल्यूम्स आने स्टार्ट हुए हैं, यहाँ पर वॉल्यूम्स आ रहे हैं, लेकिन अगर हम बात करते हैं यह भी स्टॉक हमारे पोर्टफोलियो में नहीं है, लेकिन हो सकता है आने वाले दिनों में हम इसमें भी खरीदारी करें। दोस्तों, अगर हम बात करते हैं कौन से लेवल होने वाले हैं जहां पर हमें इसको बाय करना बेहतर रहेगा या फिर हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशो बेहतर रहेगा, तो बेसिकली अगर हम बात करते हैं तो अगर ये स्टॉक 685 से लेकर के अगर 630 के बीच में जब भी मिलता है तो हमें बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है इसको एक्यूमुलेट करने के लिए, इसको बाय करने के लिए। अगर हम बात करते हैं टारगेट की, तो भाई साहब हम ये इस स्टॉक को अगर खरीदेंगे तो मिनिमम हमारा जो टाइम होराइजन होगा वो 2 साल का होगा, क्योंकि यहाँ पर टारगेट बहुत ही अल्टीमेट आने वाले हैं, बहुत अच्छे रिटर्न दे सकता है स्टॉक। अगर हम बात करते हैं सबसे मेजर टारगेट की, तो वो है लगभग जिसका 2 साल का होराइजन है वो है 1020 के लेवल ये स्टॉक दिखा सकता है। अगर हम बात करते हैं जिसका कि 3 मंथ का टाइम होराइजन है या 3 से लेकर 6 मंथ का टाइम होराइजन है, तो उसके लिए लेवल्स हो सकते हैं 820 के आसपास। तो इस स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेकर ही इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि दोस्तों हम सेबी रजिस्टर्ड नहीं है। तो इसके बाद बात करते हैं थर्ड स्टॉक के बारे में। तो तीसरा जो स्टॉक है बेसिकली आज के टिकट प्राइस का सबसे महंगा स्टॉक है, तो आज की बात करते हैं तो इस स्टॉक का नाम है अंबिका कॉटन। आप देख सकते हैं यहाँ पर स्टॉक हाई बनाता है लगभग 2700-2800 के आसपास का हाई बनाता है, वहां से गिरावट होती है, 200 मूविंग एवरेज का रेजिस्टेंस लेता है, फिर यहाँ पर एक राउंडिंग बॉटम या फिर कह सकते हैं एक कंसोलिडेशन जोन। अगर हम थोड़ा सा जूम करके देखें तो यहाँ पर से लेकर के यहाँ तक एक कंसोलिडेशन जोन था जिसका कि अब ब्रेकआउट आया है। ये देखिए यहाँ पर ब्रेकआउट आया था और वॉल्यूम्स भी भर भर के आए थे और इसके ऊपर सस्टेन करने की कोशिश भी कर रहा है। दोस्तों, अगर हम बात करते हैं इसका बाइंग लेवल क्या हो सकता है, तो बेसिकली 1585 से लेकर के ये वाली जो रेंज है ना 1585 से लेकर के 1718 के बीच में या 25 के बीच में इसको एक्यूमुलेट किया जा सकता है। इसका भी लेवल वही होगा जो जैसे कि दीपक फर्टिलाइजर के आसपास का था, यानी कि इस स्टॉक को भी हम लगभग अगर बाय करते हैं तो कम से कम 1-1.5 साल का टाइम होराइजन रखेंगे दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर जो लेवल आने वाले हैं सबसे पहला जो रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है वो मिल सकता है लगभग 2400 के आसपास का। अगर हम मेजर की बात करते हैं तो यहाँ पर ये स्टॉक लगभग 2660 के आसपास के लेवल्स दिखा सकता है,
लेकिन इसके लिए आपको टाइम होराइजन कम से कम साल डेढ़ साल के आसपास का रखना होगा दोस्तों, और आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेकर ही इसमें निवेश करें। हम सेबी रजिस्टर्ड नहीं है दोस्तों।